DEBIT, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DR, राइट? लेकिन दोस्तों अगर मैं इस वर्ड को गौर से देखूं तो मुझे पूरे वर्ड में R तो नजर ही नहीं आ रहा, राइट? सो वेयर इज द R इन डेबिट? व्हाई इज द एब्रिविएशन ऑफ डेबिट कॉल्ड एज DR? क्या ये सवाल आपके भी मन में आ रहा है दोस्तों? सो दोस्तों माई नेम इज अभिजीत सेनगुप्ता फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। ऐसे ही कुछ रेयर एंड अननोन अकाउंटिंग फैक्ट्स इस सीरीज में मैं आपके सामने लाता रहूंगा। सो दोस्तों इस सीक्रेट को जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा, ओके? सो जिन्हें आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों इज नन अदर देन फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग मिस्टर लुका पैचियोली। ही वॉज अ फेमस इटालियन मैथमेटिशियन। यस दोस्तों, ही वॉज अ मैथमेटिशियन and he introduced us to the double entry system of accounting in his book on mathematics called as Summa de Arithmetica. जाहिर सी बात है यहां ये जिक्र कर रहे थे अपने dual aspect, जिसे हम आज के डेट पे dual aspect कहते हैं, इसी के बारे में यहां पर ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, right? अब dual aspect में हमें दो aspect बताने हैं, right? जैसे for example LHS should be equal to RHS, लेकिन ये बात समझाने के लिए इन्हें कुछ परेशानियां हुई। कैसे परेशानियां हुई? आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उनके जमाने में यानी 1500s के जमाने में नेगेटिव नंबर्स वर जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन मैथमेटिक्स, राइट? सो जरा आप खुद एक बार सोच के देखिए कि ओनली विद द हेल्प ऑफ अ प्लस साइन एंड विदाउट द माइनस साइन ये एक्सप्लेन करे तो कैसे करे? That was the difficulty. So as a result, इन्होंने plus और minus sign use करने की जगह दो शब्द use करना prefer किया, debri and credri, right? ये Latin में था दोस्तों। So in Latin, debri word means to owe and credri word means to entrust, right? तो ये दो शब्द इन्होंने use करना शुरू किया और जैसे-जैसे आगे बढ़ने लगे बार बार यही वर्ड लिखने की जगह इसको शॉर्ट में लिखा। सो डेब्री बिकेम डीआर, डेब्री डीआर, एंड क्रेडरी बिकेम सीआर, क्रेडरी सीआर। इस तरह से इन्होंने शॉर्टकट में लिखना शुरू किया, राइट? सो दोस्तों वो जमाना था और आज का जमाना है जहां लैटिन के ये जो दो वर्ड्स है डेब्री एंड क्रेडरी ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए एज डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन शॉर्टकट वही रह गया DR एंड CR, ओके? सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसके बाद अब आपको यह पता चल गया कि वो R का सीक्रेट क्या है, ओके? सो दोस्तों अगर आपको यह फैक्ट चेक अच्छा लगा तो इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, एंड कमेंट में हमें आपके मन में जितने भी ऐसे और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटिंग टू अकाउंटिंग इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं, जिसमें आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं। तब तक के लिए दोस्तों बी क्यूरियस, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड स्प्रेड योर नॉलेज फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। सी यू सून इन द नेक्स्ट अकाउंट्स फैक्ट्स चेक।